हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FDS फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और इस चैप्टर के टॉपिक्स भी हम कवर कर चुके हैं उसमें। और आज की क्लास में टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं ड्रग यूज इन मेस्टेनिया ग्रेविसिस में, यानी जो मेस्टेनिया ग्रेविसिस है ये एक डिसीज है, यानी ये डिसऑर्डर है, ऑटोनोमस डिसऑर्डर है। इसमें जो ड्रग यूज होते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग यूज्ड इन मिस्टीरियस ग्रेव्स में। मिस्टीरियस ग्रेव्स का क्या मतलब है? इट इज एन ऑटोनॉमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, जिसमें क्या है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं दैट ब्लॉक एंड डिस्ट्रॉय मसल्स रिसेप्टर, यानी ये क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो मसल्स रिसेप्टर होते हैं उनको, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो क्या करती हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रॉय कर देती हैं मसल्स रिसेप्टर को। पेशेंट विथ मेस्टेनिया शो सीवियर मसल्स वीकनेस, यानी जो मेस्टेनिया से जो पेशेंट जूझता है या जो सफ़र कर रहा होता है वो क्या, उसमें सीवियर मसल्स वीकनेस, यानी उसके मसल्स बहुत वीकनेस हो जाता है उसमें। ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स, यानी नर्व और मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है, उनके बीच में। इस वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। अब हम देखते हैं ड्रग यूज्ड इन मिस्टेनियस ग्रेविसिस। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये अलग अलग तरह के हैं, जैसे कोनिनोस्टेनेज हो गया, इम्यूनोसप्रेजेंस हो गए, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन हो गया, इम्यूनो अब्जॉर्प्शन और प्लाज्मा एक्सचेंज। और एंटीक्लोएनर्जिक स्ट्रेस की एग्जांपल की बात करें तो प्रीडोस्टियामिन होगी, ठीक है, क्या होगा, प्रीडोस्टियामिन, इम्यूनोरेसप्शन की बात करें तो साइक्लोस्पोरोलिन और एटीजिनोप्रोनिन, ठीक है, और इसका तो ये खुद ही है। और फोर्थ की बात करें, दिस प्रोड्यूस हेल्प टू रिमूव एंटी ACHR ABS एसिटिकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, यानी ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, हेल्प करते हैं रिमूव करने में जो एसिटिकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती हैं उनको। और जो प्लाज्मा एक्सचेंज है, इट हेल्प टू रिमूव द एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, यानी जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होती हैं उनको रिमूव करने में ये हेल्प करता है, क्या, प्लाज्मा एक्सचेंज। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज ज़्यादा कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, खाली यही देखा है कि ड्रग जो यूज़ होते हैं मिस्टेनियस ग्रेविसिस में, और मिस्टेनियस ग्रेविसिस क्या होती है। मिस्टेनियस ग्रेविसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं मसल्स रिसेप्टर को। उसके बाद हमने देखे जो ड्रग यूज़ होते हैं इसमें। अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।